गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। तो आज जिनका जन्मदिन है भाई, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं जन्मदिन की। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पावन दर्शन, पूरा बरसाना नंदगांव और वृंदाकुंड के। तो बने रहिए एंड तक और आप लोग भी आनंद लीजिए, दर्शन कीजिए। तो श्री श्री राधा रानी की जय। तो हम आ चुके हैं बरसाना धाम में और हम यहाँ पे अभी पी रहे हैं लस्सी और ऊपर हमने दर्शन कर लिए हैं और शूट करना अलाउ नहीं था इसलिए मैंने वहाँ पे कोई भी वीडियो नहीं निकाली। तो लीजिए देखिए लस्सी बन रही है। पहले के ज़माने में क्या होता था ना, हाथ से मथते थे तो उसका स्वाद ही कुछ और होता था वो मिट्टी के बर्तन में। बट अभी आधुनिक मतलब जो ज़माना हमारा चल रहा है उस वजह से थोड़ा बहुत ठीक है, कोई नहीं। तो ये लीजिए हमारी लस्सी बन के तैयार है। राधे, तो आज हम आए हैं अष्टसखी के मंदिर में। देखिए आप मेरे पीछे देख सकते हैं अष्टसखी जी हैं और यहाँ पे एक दादी जी हैं, वो आपको बताएंगे हमें सारे महत्व इनका। तो राधे राधे, ये कितने साल पुराना मंदिर है? 5000 वर्ष पुराना मंदिर है। अच्छा, चार मंदिर प्राचीन है जी। यहाँ आठों गांवन थे, आठ सखी खेलने को आती थी। अच्छा, तो सामने से राधा रानी अपने मायके से आती। अच्छा, भगवान अपने सखा सहित मनसुखा सहित जी गाँव से आते। हाँ। अच्छा, ललिता विशाखा चित्रा चंपकलता रंगदेवी सुदेवी इंद्रलेखा तनुविद्या। अच्छा, अष्ट सखी है, नौ ही राधा जी है, दसवें कृष्ण भगवान है। अच्छा, नीचे भगवान के सखाए मनसुखा। अच्छा, 11 मूर्ति का दर्शन है महाराष्ट्र का जी। पुराना मंदिर प्राचीन। अच्छा, बहुत पुराना मंदिर। अच्छा, तो आप यहाँ सेवा करते हैं? ये हम सब लोग आती है। हाँ, अपने अपने हिस्सा की करते हैं। अच्छा अच्छा, तो देखिए हम ना करो तो ना कहो। और अब हम आ गए हैं यहाँ पे कीर्ति मंदिर में। ये बरसाने में ही है और ये कृपालु जी महाराज जी ने बनाया हुआ है। बहुत ही भव्य मंदिर है। अंदर से दर्शन तो नहीं हो पाएंगे क्योंकि अलाउ नहीं है। अब मैं आपको बाहर से थोड़ा बहुत झांकियाँ दिखाती हूँ। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। सेम बिल्कुल जैसे प्रेम मंदिर है, पूरा का पूरा वैसे ही है। ये बहुत ही अद्भुत है। तो लीजिए भी हमारा जो पड़ाव है वो आ पहुंचा है नंदगांव में। तो ये देखिए हम लोग नंदगांव में दर्शन करने के लिए जा रहे थे मंदिर में, तो तब तक सामने से इतनी सारी गैयाँ आ गई। तो मैंने बाबा से पूछा कि कितनी गैयाँ हैं, तो उन्होंने बोला पूरी 200 गैयाँ हैं। बाबा देखिए कितना प्यारा दृश्य है ये। तो अब हम आ गए हैं वृंदाकुंड में। यहाँ पे श्रीमती तुलसी महारानी जी का निवास है। हमने दर्शन कर लिए हैं। देखो ये भक्ति बातें कर रही है। कहा जाता है कि श्रीमती तुलसी महारानी जी के पास पूरे 1 लाख तोते हैं और जिन जिनको उनको बुलाना होता है वो तोतों को भेजते हैं। जैसे पहले ज़माने में होता था ना, कबूतर संदेशा लेके जाता था, वैसे ही श्रीमती तुलसी महारानी जी तोतों को भेजती हैं। है ना अद्भुत। तो अपने कारवां को आगे बढ़ाते हुए अब हम जा पहुँचे हैं कोकिला वन में। तो यहाँ पे स्वयं शनिदेव महाराज जी विराजमान हैं। कहा जाता है कि शनिदेव भगवान जी यहाँ पे तपस्या करने के लिए आए थे और कृष्णा जी से रुष्ट भी हो गए थे वो। तो उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं श्री कृष्ण भगवान जी ने कोयल का रूप धारण करके शनिदेव महाराज जी को दर्शन दिए थे, इसीलिए इस जगह का नाम कोकिला वन पड़ा। तो बोलिए शनिदेव भगवान की जय। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक खुश रहिए, प्यार बांटिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय।